اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على محمد وصحبه وصلّي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا, तीन खसूसियतें ऐसी हैं जिसमें पाई जाएंगी वो ईमान की मिठास पा लेगा पहली खसूसियत अल्लाह और उसका रसूल उसे सबसे ज्यादा अजीज हो नंबर टू पॉइंट जब वो किसी शख्स से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए करे नंबर तीन पॉइंट उसे कुफर की तरफ लौट कर जाना इतना नागवार हो जैसे आग में फेंक दिया जाना हो चलिए आज की नशस्त की इब्तदा ही खुद से सवाल करते हुए करते हैं क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं क्या मैं तमाम मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से पहले डालती हूं या पीछे क्या मैं नमाज पढ़ने में इसलिए कहीं तो मैं देर नहीं कर देती कि मुझे पहले बच्चों को खाना देना है या मुझे पहले कोई भी दुनियावी काम करना है क्या अल्लाह का हुकम, तमाम हुकमों पे, तमाम पे पे लोगों लोगों की की बातों पे आ जाता है या अभी भी मैं गुलाम बनी हुई आज हम जाहिरी तौर पे शिरक तो नहीं कर रहे हमारे घरों में बुद्ध नहीं है लेकिन आज हम मखफी तौर पे शिरक का इरतक कर रहे हैं कैसे अल्लाह के अहकाम को पसे पुष्त डाल के आप वसल्लम की सुनतों को भुला के दुनिया क्या कहेगी दुनिया के बुतों को पूछ के रूटीन में तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन जब कोई शादी होती है या जब कोई गमी होती है क्या उस वक्त भी मुझे इंतजार होता है कि मैंने नमाज पढ़नी है और मुझे फिक्र होती है कि मैं नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लूं या उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कहीं मेरा मेकअप खराब ना हो जाए कहीं मेरी ज्वेलरी खराब ना हो जाए कहीं मेरे कपड़े डिस्टर्ब ना हो जाए मेरे कपड़ों पे सिलवटे ना पड़ जाए इस डर से मैं नमाज को तो अपनी लेट नहीं कर देती और लोग क्या कहेंगे कि बुध को मैंने इतना तो नहीं पूजना शुरू कर दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पीछे चले गए बहुत सी बातों का जवाब आपको खुद मिल गया होगा दूसरी बात जब वो किसी शख्स से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए करे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन ज्यादातर मोहब्बतें सिर्फ ज़ाहिर मुहबते हैं या किसी पी आर की मोहब्बत है कि मेरा फलाना काम हो जाएगा इससे भी बना के रखो इससे भी बना के रखो या फिर इसलिए मोहब्बत है कि कोई बहुत अमीर होगा कोई मेरी मदद कर देगा क्या मेरी मोहब्बतें खाल सिर्फ अल्लाह के लिए हैं? तीसरी बात उसे कुफर की तरफ लौट कर जाना इतना नागवार हो जैसे आंख में फेंक दिया जाना आज हम मजलूम मुसलमान बने हुए हैं आज हम होपलेस मुसलमान बने हुए हैं आज हम बेचारे मुसलमान बने हुए हैं अगर कोई इस्लाम की तरफ आ भी गया है और उसके रिचुअल्स फॉलो कर ही रहा है तो इतनी बेचारगी से इतने अफसोस से इतनी मजलूमियत से अल्लाह जाने कौन सा जुल्म हो गया है? हम क्यों नहीं अभी तक प्राउड मुस्लिम्स बने हम क्यों नहीं अल्लाह के अहकाम को प्राउडली मानते और प्राउडली बताते कि मैं ये काम इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे मना किया है बल्कि कई दफा जहां पे बताने की बात भी होती है जगह भी होती है हम चुप कर जाते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए अल्लाह सुबहान तला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान तला हम सबसे आसानी का मामला करे मुनाफिकत हमारे अंदर किस किस जगह से घुस चुकी है हम खुद नहीं जानते हम जाहिरी शिरक नहीं कर रहे लेकिन हम शिरक खफी में बहुत बुरी तरह मुबतला हो चुके हैं हमारा कॉल हमारे फेल हमारा चाल ढाल रहन सहन हर बात इस बात का सबूत देती है कि हमने तो अल्लाह और उसके रसूल को पुश्त डाल दिया और आगे क्या ले आए दुनिया दुनिया की लज्जत सबसे पहले मैं इन सब चीजों को हमने इतना प्रायोरिटाइज़ किया कि हम तो अल्लाह की किताब कुरान पाक को सिर्फ अलमारियों में शेल्फ की जीनत बना के ही भूल गए और अदीज वो तो कभी पढ़ी ही नहीं कभी सही मुस्लिम खोली ही नहीं कभी हमने अहादीस की तरफ गौर ही नहीं किया और अगर कोई एक अहादीस हमें पता चल जाए तो इतनी भी तोफ़ीक नहीं की के चेक कर लें कि सही है या जहीफ़ है आज उम्मीद है मुसलम टोटली बहुत सख्त ज़िवाल का शिकार है और जब मैं इर्द गिर्द देखती हूँ और नजर दौड़ाती हूँ हम सब ये तो कहते हैं कि बहुत बुरा वक्त आ गया है बहुत बुरा टाइम है महंगाई अपने अरूज को पहुंच चुकी है हर चीज बहुत खराब हो गई है बेहयाई आम हो गई है जिना करना आसान हो गया है और निकाह करना मुश्किल और हर तरफ फसाद है नफसा नफसी है दिलों में वसत नहीं है और जब इस चीज की जड़ में जाया जाए तो तमाम प्रॉब्लम्स की मेन जड़ कुरान पाक और सुन्नत रसूल अलैहि वसल्लम से दूरी है कुरान तो कभी खोला ही नहीं ये सिर्फ एक चूमने वाली किताब समझ के टॉप ऑफ द शेल्फ रख दी गई तो वो किताब थी जिसने हमें सिखाना था कि हम जिंदगी कैसे गुजारें उठे कैसे बैठे करें कुरान तो इतना खूबसूरत है जिसने हमें ये भी सिखा दिया किसी के घर में एंट्री कैसे करो आवाज को कैसी रखो कपड़े कैसे पहनो बोलो कैसे अपने साथ क्या जिंदगी के मामलात करो ये तो सीखने की बातें थी जिनको हमने सिर्फ वसीफों की जीनत बना के रख दिया है आज से इरादा कर लीजिए कि मेरे दिल में पहली बात किसी के लिए बदगुमानी नहीं आएगी और अगर आएगी तो वो शैतान का हकीकतन वसवसा होगा मैं उसको अपने ऊपर गालिब नहीं आने दूंगी तमाम चीजों की मोहब्बत तमाम लोगों की मोहब्बत से अफजल मेरे लिए अल्लाह 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 और फिर रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी उसके बाद मेरा शोहर मेरे बच्चे मेरा घर मेरी चीजें मेरा ये मेरा वो सब कुछ बाद में आएगा सबसे पहले अल्लाह का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उन अहकाम को पूरा करना है जो सिखाया है वो तरीका मैं किसी से मोहब्बत करूंगी और जरूर करूंगी तमाम मुसलमान मेरे भाई हैं लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए सिर्फ एज वेल विशर किसी से कोई फायदा हासिल करने के लिए नहीं किसी में अपना नाम और शोहरत पैदा करने के लिए नहीं क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है और गुनाहों को देख के गंदी चीजों को देख के ऐसे ही करायत ऐसे ही बुरा महसूस करूंगी जैसे महसूस करने का हक है ये नहीं कि इंटरनली मैं उन चीजों को इंजॉय कर रही हूँ और सामने कह रही हूँ तोबा तोबा क्योंकि मुनाफिकत तो खुल के सामने आ ही जाती है आज हम आखिरी गजवे को इनशाला पढ़ेंगे गजवाए गजवाएता को हमने देखा था मार्कायूता कि वो क्यों पेश आया जब आप सल असलम ने उम्र और बादशाहों के नाम खतूत भेजे तो तमाम जो कासिद भेजे गए थे थे उनमें से सिर्फ एक कासिद थे जिन्हें शहीद कर दिया गया जिसकी वजह से मार्कायोता पेश आया और गजवा तबूक का सबब भी मुता बना गजवाय तबूक जो रजब नौ हिजरी में पेश आई मुता का असर रूमी कुवत के हक में अच्छा ना था सिर्फ तीन हजार मुसलमानों ने दो लाख रूमी फौजियों की ताकत को दबाने में जो कामयाबी हासिल की थी इसका शाम के पड़ोसी अरब कबाइल पर बड़ा जबरदस्त असर हुआ मार्काय मूता में हमने देखा ये सिर्फ तीन हजार मुसलमान थे और दो लाख रूमी फौजी थे लेकिन मुसलमानों में इतना ईमान था उनका अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरभराई इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने दो लाख रूमी फौजियों को शिकस्त दे दी डिफीट कर देंगे और अब ये कबाइल आजादी और खुद मुख्तारी के ख्वाब देख रहे थे लिहाजा रूमियों ने एक फैसला कुन जंग की जरूरत महसूस की जिसमें वो मुसलमानों को इनके अपने घर मदीना मुनवरा के अंदर ही साफ कर दे ओवरऑल हमने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किए उसकी वजह से इर्द गिर्द के लोगों पे बहुत ज्यादा मुसलमानों की धाक बैठ चुकी थी दिल में मुसलमानों से लोग डरना शुरू हो गए थे जब रूमियों को शिकस्त हुई तो अरब के एक कबाइल जो इर्द गिर्द रूमियों की रोमन्स की गुलामी में थे उन्होंने कहा कि अब हम भी आजादी कर सकते हैं तो रोमन्स ने अपनी धाक दोबारा बिठाने के लिए कि लोगों को ये ना लगे कि हम बुजदिल हैं हम कमजोर हैं उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो मुसलमानों पे मदीना मुनवरा के में अटैक करेंगे और वहीं पे उनका सफाया कर देंगे उधर रसूल सल अलाम को इनकी तैयारी का इल्म हुआ आप सल अलाम जिनको हमने हमेशा देखा है हमेशा बहुत अटेंटिव लीडर रहे हैं वो हमेशा जानते थे कि कौन क्या नेक्स्ट मूव कर रहा है बिल्कुल भी आप लेजी नहीं थे सुस्त नहीं थे बल्कि बहुत बेदार मगज थे और हर वक्त अटेंटिव रहते थे जब उनको इल्म हुआ, तो आपने हर जगह मुसलमानों को निकलने की मनादी कराई और गजबे की जोहत का वाज तौर पर ऐलान फरमाया ताकि लोग मुकम्मल तैयारी कर लें क्योंकि जमाना सख्त गर्मी का था अब ये पॉइंट्स जरा देखते जाइएगा क्योंकि हम इनमें एनालिसिस करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने बहुत दफा देखा कि बहुत से गजबात में आपने डायरेक्टली मुसलमानों को नहीं बताया कि हमने कहाँ जाना है और हमने क्या करना है लेकिन तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली मुसलमानों को बता दिया था कि हमारा मिशन क्या है हमने किस जगह पे जाना है क्योंकि सख्त गर्मी का जमाना था लंबा सफर था लोग तंगी और कहत से दो चार थे जरा मुसलमानों के हाल देखिए सख्त गर्मी लंबा सफर तंगी और कहत फल पक चुके थे खुशगवार लग रहे थे और लोग इनमें कयाम पसंद करते थे अभी गर्मियों का सीजन गुजरा है और अभी भी गर्मी है और ज्यादातर लोग गर्मियों में पसंद करते हैं कि अपने घरों में ही रहें ज्यादा बाहर ना जाएं और सोचिए इतनी इससे पहले वाली गर्मी जो इंतहाई चुभने वाली गर्मी है उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजबे का ऐलान कर दिया सहाबा का ईमान देखें बगैर पूछे क्यों क्या कब कैसे चुप करके अपना घर बार छोड़ के कहत साली में सख्त गर्मी में बगैर किसी साजो सामान के निकल पड़े हमारे ईमान के लेवल और उनके ईमान के लेवल में कितना फर्क है आज अगर हमें सख्त गर्मी में कोई दर्द से अटेंड करना पड़ जाए तो नाइन्टी परसेंट लोग नहीं आते कि गर्मी बहुत है और जब हम छोटे छोटे काम नहीं करते तो बड़े बड़े काम हम कैसे कर सकते हैं रसूल सल्लम ने अहले सरवत को तंग दस्तों की तैयारी की तरकीब दी और इनसे जो कुछ बन सका ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि सलम ने क्या कहा कि जिसके पास जो जो सामान है वो ले आए सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला अपना सारा माल ले आए जो चार हजार दरम था अल्लाह अकबर कबीर रसूल सलम ने पूछा अपने अहल के लिए भी कुछ छो बाकी छोड़ा है आज क्या कहते हैं बच्चों का सोचो घर का सोचो सब का सोचो ये क्यों नहीं कहते अल्लाह के दिन का सोचो आप रजियाल तहो ने अर्ज की कि इनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है ये वो बातें हैं ना जिन्होंने हजरत अबू बकर सदीक को अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अनहो बनाया आप रजी अल्लाह तलाो ने कभी भी अपने आप को अपने घर को अपने माल दौलत को दीन पे प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने हमेशा अपना सब कुछ दीन की खातिर पेश कर दिया हजरत उमर बिन खताब रजी रजिया अपना आधा माल लाए हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तहो ने कहा, कहा जाता है दस हजार दीनार पालान और कजावे समेत तीन सौ ऊंट और पचास घोड़े दिए और कहा जाता है कि उन्होंने नौ सौ ऊंट और एक सौ पचास घोड़े दिए हजरत उमर रजी तला कहते हैं जब अपने घर का सामान लेकर आ रहे थे तो सोच रहे थे कि आज तो मैं अबू बकर से बाजी मार जाऊंगा लेकिन जब आके देखा तो हजरत अबू बकर जैसे कि वो थे अपने घर का पूरा सामान लिए आप सल अलाम के सामने हाजिर थे हजरत उस्मान उन्होंने नौ सौ ऊट दिए और बहुत सी हदीसों में आता है रिवायात में आता है कि उन्होंने बारी बारी नौ दफा खड़े होके सो सो ऊंट करके दिए कई दफा हमसे कोई निकी का काम कहा जाता है तो कई दफा हम जज्बाती होकर भी कह देते हैं कि हम इतना करेंगे हम इतना करेंगे बाद में हम सोचते हैं यार कुछ ज्यादा तो नहीं मैंने कह दिया लेकिन इनका ईमान कितना जबरदस्त था कि नौ दफा उठे और हर दफा सौ सौ ऊंट की बातें करते रहे एक दफा भी उनको ये एहसास ना हुआ एक दफा भी उनका ईमान कम ना हुआ दौलत खत्म हो जाएगी क्योंकि तो जब ये यकीन होता है कि देने वाला मेरा अल्लाह है जिसने मुझे अभी दिया है वो मुझे बाद में भी देगा, तब सारे वहम सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं नबी वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया आज के बाद उस्मान जो भी करें उन्हें नुकसान ना होगा और हम सबके लिए सीखने की बात क्या है दीन की राह में जो कुछ भी हम अल्लाह को देंगे अल्लाह तो जरा बराबर भी उसका हक हाँ बाकी नहीं रखेगा अल्लाह सुबहानो तो वो जात है जो किसी की जरा सी नेकी को जाया नहीं करता तो कैसे हो सकता है कि आज आप प्यारी बहने जो अपने घरों के काम छोड़ के अपने ज़रूरी काम छोड़ के अपनी परेशानियों से निकल के इस महफिल में बैठी हैं कि अल्लाह आपके इस वक्त को इस आने को कबूल ना करे कैसे हो सकता है अल्लाह सुबहानो ईमान में इजाफा ना करे कैसे हो सकता है आपके लिए आपके घर वालों के लिए दीन की राहें ना खोले अल्लाह की राह में अपनी जान देना अपना आप देना अपनी अपना जिसम देना अपना वक्त देना अपनी थकावटें देना ये बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत प्राउड फील किया करें और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अल्लाह की राह में क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि कौन कितना दे रहा है मैटर ये करता है कि कौन कितना कितना रहा है अगर एक बंदा है जिसके पास है ही चार खजूरें और ये वाक्य बड़ा मारूफ है हमने पढ़ा कि एक बंदा था उसके पास कुछ देने के लिए एक सहाबी थे उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था और उन्होंने मेहनत की आखिर में चंद खजूरें उन्हें मिली और वो जब लेकर आए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या लेकर आया है और जब उन्होंने माल के ढेर के ऊपर वो रखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये खजूरें सबसे अफजल है अल्लाह को हमारा माल नहीं चाहिए बेसिकली अल्लाह सुबहानो चेक कर रहा होता है कि अभी इसकी भी जरूरी जरूरत है हो सकता है आप भी उस वक्त बहुत जरूरतमंद हो लेकिन ये मेरे बंदा जिससे मांग रहा है ये मेरी राह में जो कोई हमें चाहिए तो ये क्या पेश करेगा हमारा दीन क्वांटिटी ओरिएंटेड किसी तरह से भी नहीं है बल्कि क्वालिटी ओरिएंटेड है हजरत अब्दुलरमान बिन औफ रजी तनो ला दो ओकिया, चांदी लाए हजरत अबास रजी ला बहुत सा माल लाए हजरत रजियाल तलाो सात बिन उबादा रजियाल तनहो और मोहम्मद बिन मुस्लिम रजिया वगैरह भी मां लेकर आए हजरत आसिम बिन अदी रजी तलाो नवे वसत सारे तेरह हजार किलो खजूर लाए सहाबा ने भी अपनी अपनी बसात के मुताबिक की लाइन लगा दी, की ताकत ही नहीं रखते थे और तो ने अपने तक भेजे। तंग दस सहाबा रजी आपसे सवारी तलब करने आए आप ने फरमाया मैं कुछ नहीं पाता जिस पर आप लोगों को सवार करूं तो वो इस हाल में वापस हुए कि इनकी आंखें इस अफसोस में अश्कबार थी कि वो खर्च करने को कुछ ना पा सके अल्लाह अकबर कबीर आज तो हमें ऐसा कह दिया जाए ना कि वापस चले जाए हम आपको नहीं तो हम कहते हैं है चलो हमारी जान तो छुटकी उन्होंने खुद ही मना कर दिया लेकिन सहाबा का राम कितने पुरजोश थे कितना ईमान था वो चाहते थे कि वो गजबे में जाएं और जब कुछ ना मिला तो जाते हुए उनकी आंखें अशकबार थी चुनाचे उन्हें हजरत उस्मान और हजरत अब्बास वगैरह ने तैयार किया यानी उनको सवारियां मुहैया की इस मौके पर मुनाफिकीन ने गोई भी की चुनाचे जिन्होंने ज्यादा खर्च किया उन्हें रियाकारी का ताना दिए जिन्होंने कम खर्च किया इनका मजाक उड़ाया और रूमियों से टकराव की जरूरत पर वसल्लम का भी मजाक उड़ाया जब बासपुर पुरस् तो कहने लगे हम तो महज दिल लगी कर रहे थे आज हम बहुत दफा मजाक के नाम पे दूसरों का दिल नहीं दुखा देते अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा है दुबट्टा नहीं करता था स्का करना शुरू कर दिया सर पे रखना ही शुरू कर दिया तो सबसे पहले सुनने को क्या मिलता है नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली आप चलिए हैं पर्दा करने के लिए जब उम्र थी तब तो किया ही नहीं अगर कोई बंदा नवाफिल पढ़ने की कोशिश कर रहा है रोजे खड़ने की कोशिश कर रहा है हाँ हाँ देख रहे हैं आप तो बस दिखाने के लिए करती है अंदर आपके ईमान नहीं क्या हमने लोगों के दिलों में झांक लिया है हम कैसे बड़ी आसानी से लोगों का दिल दुखा देते हैं और हमारी बातें हो सकता है किसी को निकी से रोक दे और हम कितना बड़ा गुनाह कर दे हमने मुनाफिक नहीं बनना हमने ऐसा कोई काम नहीं करना किसी को रियाकारी का ताना नहीं देना किसी को दिखावे का ताना नहीं देना किसी को कम सद्का खैरात का ताना नहीं देना हर बंदा अपने अपने, लि, अपने लिहाज से बेहतरीन कर रहा है और हम क्या जज हैं किसी के बिल्कुल भी नहीं जज सिर्फ अल्लाह है उधर मुनाफिक और बदवी बनावटी उजर ले लेकर आए और नबी सल गजबे में शिरकत से रुखस की इजाजत चाहिए आपने इजाजत दे दी ये वो जंग थी जिसमें क्लियर हो गया था कि मुनाफिक कौन है और असल मुसलमान कौन है और हमेशा मुनाफिक क्या करते थे पेश करते थे तो आपको पता है ना वो मेरे ना छोटे बच्चे में नहीं आ सकती ना मैं कैसे निकलूंगी मैं मेरे मियाँ आते हैं ना खाना बनाना होता है ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलती या फिर पता है बहुत मुश्किल होता है मैं होमवर्क नहीं कर सकती मैंने पूरा दिन बच्चों ने खपा के रखा होता है मेरे लिए बहुत मुश्किल है जब बड़े हो जाएंगे फिर करूंगी तो आपको क्या इस बात का यकीन है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप जिंदा रहेंगी मुनाफिक कोशिश नहीं करता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दीजिए फिर भी अगर काम ना हो तो कम से कम अल्लाह सुबहान तला तो जानता होगा ना कि मेरे मर्द मोमिन ने कोशिश तो की थी आपने उन सब मुनाफिक को इजाजत दे दी इसके अलावा बाज मुसलमान महज सुस्ती की वजह से पीछे रह गए आज हम में सुस्ती बहुत आ गई है और नेकी हम करना चाहते भी हैं और सोच भी रहते हैं और दिल में मुनाफ्त भी नहीं होती लेकिन सिर्फ सुस्ती की वजह से पीछे रह जाते हैं एक टिप जो मुझे मेरी उस्ताद ने दिया था और बहुत बेनिफिशियल है कि जब भी नेकी का कोई इरादा करें तो फौरन उसको कर लें उसमें डिले ना करें क्योंकि तो जितना आप डिले करते जाएंगे शैतान ऐसे वसवसे डालेगा ऐसे चीजें बना देगा कि आपसे वो नेकी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तैयारी के बाद रसूल सल ने मदीने का इंतजाम मोहम्मद बिन मुस्लिम रजी तब आप सल अलाम को जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी गजबे में गए और पीछे आपने इंतजाम किसी के हवाले नहीं किया और एक राहबर का एक जबरदस्त लीडर का काम ही यही होता है ये नहीं कि अगर वो किसी और मिशन पे चला गया है तो पीछे से पूरा इंतजाम तहस नहस हो जाए वो क्वालिटीज देख के वो बंदे की जोश देख के वह चुनते थे कि अब ये इंतजाम किस दिया जाए तो इस दफा मदीने निगरान मुकर किया लश्कर का सबसे बड़ा परचम हजरत अबू बकर सदीक रजिया को दिया और कई लोगों को झंडे अता फरमाए महाजरीन का झंडा हजरत जुबैर रजी तला को दिया औसको झंडा औस का झंडा असीद बिन रजी ताला अन्हों को और हजरत का झंडा हबाब बिन मुंजर रजील को दिया हमें आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन आपसे लश्कर को तंजीम देना है फिर कैसे उसको सब डिवाइड करना है ताकि हर हर बंदा बेहतरीन तरीके से अपना रोल प्ले करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर में हर गजबे में बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है जुमेरात के दिन मदीना से कूच फरमाई आप सल्लाम ज्यादातर प्रेफर करते थे जुमेरात के दिन को सफर करने को और हमारे लिए मल का नुकता अगर हमने कहीं जाना है तो हम भी सुन्नत समझ के प्रेफर करें कि हम जुमेरात के दिन ट्रेवल करें आप सल्लाह वसलम के साथ तीस हजार का लश्कर था और मंजिले मकसूद तबूक थी सवारी और तोशे की सख्त किल्लत थी सवार भी नहीं थी और तोशे भी नहीं थे अठारह अठारह आदमी एक ही ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे अल्लाह अकबर अठारह आदमी एक एक ऊंट पे बारी बारी सवार हो रहे हैं तो जरा देखिएगा कि बारी कितनी आती होगी कितनी देर तक एक इंसान को चलना पड़ता होगा और हालत क्या होगी और मौसम क्या था सख्त तरीन गर्मी लोगों ने दरख्तों के पत्ते खाए यहां तक कि इनके होंठ सूझ गए अल्लाह अकबर कबीरा आज हम उमत मुस्लिम जो इतने कम्फर्ट जोन में बैठे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं पंखे के नीचे बैठे हैं तब भी हमें कुरान खोलना इतना मोहाल लगता है नींद राह में एक घंटा निकालना इतना मुश्किल लगता है और ये थे सहाबक राम सख्त गर्मी में तोशे के बगैर सवारी के बगैर निकले और भूख का ये आलम था कि दरख्तों के पत्ते खा रहे और दरख्तों के पत्ते के ये हालत हो गई कि होंठ सूज गए सवारियों की किल्लत के बावजूद ऊंट जबा करने पर मजबूर हुए ताकि इनके मेदे और आंतों का पानी पी सके अल्लाह आज हमें हर चीज से स्मेल आती है आज हम जरा सी किसी चीज से स्मेल आ रही हो बू आ रही हो हम कहते हैं आओ हमने नहीं पीना और साहबा का राम को देखे मेदे का पानी क्या उन्हें स्मेल नहीं आती थी क्या उनमें नखरा नहीं था जो अल्लाह के दीन की खातिर निकले पत्ते खा रहे हैं और ऊंट के मेदे और आंतों का पानी पी के गुजारा कर रहे हैं तो कैसे ना हो दर्जात कराम रजी अल्लाह के लिए बाज हमारी सलाहियतें हमसे काम करवाती हैं जैसे आप सल्म दीने का इंतजाम मोहम्मद बिन मुसलिमा को देखे गए हजरत उम्मे मकतूम रजी अल्लाह तन को बहुत दफा देखे के हमने देखा और बाज़त

तो कह रहे हैं क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि मेरी तुम्हारी निस्बत भाई की सी हो अलबत्ता मेरे बात कोई नबी ना होगा अल्लाह हो पर कबीरा दिन के रास्ते में जब हम चल रहे होते हैं ना तो बहुत दफा लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ती है लेकिन अल्लाह जानता है और कई दफा आगे जाना जरूरी होता है लेकिन पीछे का इंतजाम संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है

इनके कुएं से पानी लिया और आटा गूँधा आपने हुक्म दिया कि इनके कुएं से लिया हुआ पानी बहा दें गूंदा हुआ आटा जानवरों को खिला दें और सिर्फ इस कुएं से पानी लें जिससे हजरत साले की पानी पिया कर दी थी और जब आप समूद के इस इलाके से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया इन जालिमों की जाए सकूनत में गरिया कनान यानी रोते हुए दाखिल होना मुबादा तुम पर वही मुसीबत आन पड़े जो इन पर आई थी कि अगर जालिमों की बस्ती से गुजरते हो तो ऐसे गुजरो जैसे रो रहे हो उस अजाब से डरो ये ना हो कि तुम्हें वही मुसीबत मिल जाए और आज हमारा क्या हाल है मोहन जुदारो जा रहे हैं हड़प्पा जा रहे हैं फील्ड ट्रिप्स जा रही हैं वहां पे जाके हंस रहे हैं उनको बड़े और जोक से देख रहे हैं और भूल गए हैं कि ये तो इबरत का सामान है आप अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया कि जब ऐसी बस्तियों से अगर गुजर हो पहली बात है वहां की चीजें यूज ना करें बिल्कुल भी यूज ना करें और वहां से दुखी होके रोते हुए इबरत के साथ गुजरे के अल्लाह सुबहान तला ने इन पे अजाब भेजा था कहीं ये अजाब हम पे ना आ जाए फिर अपना सर ढांका और तेजी से चलकर वादी पार कर गए जिन जगहों पे अजाब आते हैं जो जगह इबरत का सामान है वो फनप्लेक्स नहीं है वो तस्वीरें खिंचाने की, की जगह नहीं है उनको देख के अमेज नहीं होते बल्कि वहां से जल्दी से गुजर जाना चाहिए और उनसे इबरत लेनी चाहिए रास्ते में रसूल सल्म जोहर और रसर की नमाजें मग़रब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ते थे जमा तकदीम भी फरमाते और जमा तखीर भी यानी जमा करके कट्ठे जल्दी भी पढ़ते थे और जमा करके इकट्ठे देर से भी पढ़ते थे तबूक में उतर चुके तो हज़रत अबू खुसैमा रजील तनो आन मिले ये सच्चे मोमिन थे बगैर किसी उजर के बिछड़ गए थे सख्त गर्मी का दिन था अपने बाग में आए तो देखा दोनों बीवियों ने अपने अपने छप्पड़ पानी के छींटे देकर आरास्ता कर रखे हैं खाना और ठंडा पानी भी फराहम कर रखा है उन्होंने कहा रसूल अलैहि वसल्लम तो सख्त गर्मी में है और अबू खुसैमा ठंडे साए मीठे पानी और खूबसूरत औरतों में ये इंसाफ नहीं वल्लाह मैं तुम में से किसी के छप्पड़ में दाखिल ना हूँ यहाँ तक के रसूल सल्लम से जा मिलू तुम मेरे लिए तोशा तैयार कर दो अल्लाह आज हमारे मुसलमान बहन भाई फलस्तीन में अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे इतना सख्त बर्दाश्त कर रहे हैं और हम सिर्फ एक खबर समझ के अपने घरों में आराम से बैठ जाते हैं हमारे दिल में क्यों उमत मुस्लिम का दर्द नहीं है हमें क्यों तकलीफ नहीं होती कि हमारे साथ रहते हुए लोग भी जब इस्लाम को फॉलो नहीं करे हम क्यों नहीं सोचते कि उस दिन जब अजाब दिया जाएगा तो हम कैसे इनको बचाएंगे हमारा तो अपने ऊपर बस नहीं चलेगा अल्लाह सुबहान तला हमारे दिल में उम्मत मुसलिमा का आप सल का दर्द और डाल दे उन्होंने ऐसा ही किया फिर अब को रजी अल्लाह ऊंट पर सवार हुए तलवार और नेजा लिया और चल पड़े यहां तक के रसुल्ला सल्ला से इस वक्त मिले जब आप तबूक में उतर चुके थे अल्लाह ताला हमें भी कुरान से और सुन्नत से और उमत मुस्लिम से ऐसे ही मिलाते जो हमारे से वक्त गुजर चुका है अल्लाह हमारी उस पर पकड़ ना करे और जो हमारे पास जिंदगी बाकी रह गई है अल्लाह हमें तोफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तरीके से दीन के काम कर गए रूमियों को तबूक में रसूल सल वसलम की आमद का इल्म हुआ तो इनके हौसले टूट गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक इतनी जबरदस्त धाग बिठा धा चुके थे आप सल्ह वसलम कि उनका नाम सुनते ही उनके लश्कर को आते देखते ही हमने देखा है कि दुश्मन जो थे उनके हौसले टूट जाते थे मुकाबले की हिम्मत ना हुई वो अंदरूने मुल्क बिखर गए अल्लाह अल्लाह का साथ हो तो इंसान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो पहले ही सरेंडर कर दिए और पहले ही इर्द गिर्द बिखर गए वसल्लम ने 20 दिन कयाम फरमाकर दुश्मन पर रोक डाला और वह का इस्तकबाल किया आप वसल्लम के पास इला का हाकिम युहाना बिन रूबा आया <coughs> इसके साथ हरबा अजरा और मीना के भी वफूद थे उन्होंने जिजिया देने की शर्त पर सुलह की मगर मुसलमान ना हुए रसूल सल्लाम ने युहाना को एक तहरीर दी जिसमें उसे और बाशिंदगाने ईला को ईमान दी और इसकी कश्तियों और काफिलों को समंदर और खुश्की में जमानत दी और आमदोरफ की इजाजत दी आजादी अता फरमाई ये के किसी ने कोई गड़बड़ की तो इसका माल इसकी जान इसके आड़े ना आ सकेगा इसी तरह आप सलम ने जरबा और अजरा के बाशिंदों के लिए लिखी एक तहरीर जिसमें इनको ईमान दी और ये कि इन पर हर रजब में सोदार वाजब उल अदा होंगे अहले मीना ने आपसे चौथाई पल की अदायगी पर सलाह किया ये क्या था ये था कि ये अब किसी भी मुल्क में रहना होता है तो उसको लीगलली रहने के लिए उस मुल्क में कुछ ना कुछ देना पड़ता है जैसे आजकल डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं शो करना पड़ता है कि हमारी इनकम सोर्स है हमारा बैंक एसेट है इसी तरह इन्होंने डिफरेंट चीजें दी और आप सल अल्लाह वसलम ने इन्हें तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया कि आप अमान में है आपको आजादी दी जा रही है लेकिन तब तक अगर आप खुद किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे रसूल सलम ने खालिद बिन वलीद ताला अन्हों को चार सौ सवारों की शिकार करते हुए नबी सन गुई थी हजरत खालिद रजी तनो तो तशरीफ ले गए जब फासला इतना रह गया कि किला नजर आ रहा था तो एक नील गाय निकली और किले के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी उद इसका शिकार को निकला, मगर खालिद रजी ताला अन्होंने खुद को शिकार कर लिया और उसे गिरफ्तार करके नबी वसल्लम की खिदमत में पेश किया आप वसल्लम ने जान बख्शी फरमाई और 2000 हजार ऊंट आठ सौ गुलाम चार सौ जरहे और चार सौ नेह फरमायी इसने ईला और मीना वालों की शराय पर जजिया भी देने का इकरार कर लिया आप वसल्लम का कैरेक्टर हम अभी तक देख चुके हैं कितना पीसफुल है आप कभी भी किसी को मारना नहीं चाहते थे कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहते थे हमेशा सलाह सफाई चाहते थे जब कोई सरेंडर कर देता तो आप सल्लाम कभी भी उसका कत्ल ना करते और हमने यहाँ ये भी देख लिया के लोग मुसलमान नहीं हुए बल्कि उन्होंने कहा कि जिजिया ले लीजिए हमसे चीजें ले लीजिए और हमारी जान बख्श दे तो क्या आप सल्हल ने उन पर जबरदस्ती की बिल्कुल नहीं इनमें जबरदस्ती नहीं है और हम जैसे लोग जो दीन में बगैर जबरदस्ती के दाखिल हो गए हैं अब दाखिल हो गए हैं जब दाखिल हो जाओ फिर तो जबरदस्ती है फिर तो नमाज पढ़नी है फिर तो कवर करना है फिर तो अल्लाह के काम मानने हैं फिर तो शरीयत पे चलना है लेकिन जो गैर मुस्लिम थे आपने जरूर रिप्रेजेंट किया लेकिन अगर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया और दे दिया तो मदीने वापसी की राह ली रास्ते में आते जाते तीस दिन लगे इस तरह वसल्लम कुछ पचास दिन मदीने से बाहर रहे रास्ते में लश्कर एक घाटी से गुजरा लोगों ने वादी की राह ली और रसुल्ला ने घाटी का रास्ता किया। आप इख्तियारो थे, थे और हाँक रहे थे मौका गनीमत जानकर बारा मुनाफिकीन ने कतल के इरादे से आप सल्लाह का पीछा किया और आपके इंतहाई करीब आ गए ये चेहरों पर ढाटा बांधे हुए थे आपने हजरत हुजैफा हु को भेजा कि इनकी सवारियों के चेहरों पर अपनी ढाल से जरब लगाए उन्होंने जरब लगाई तो अल्लाह ने मुनाफिक रोक डाल दिया और वो तेजी से भाकर लोगों में जा मिले रसूल ने रसुल्ला नेजीला को इनके नाम भी बतलाए और इनका इरादा भी चुनाचे उन्हें रसुल्ला का राजदान कहा जाने लगा अल्लाह अकबर कबीरा हजरत हु को क्या कहा जाता था वाले का राजदान मस्जिद जरार ये मस्जिद जो थी वो अबू आमिर राहब ने बनाई थी और बेसिकली ये मुनाफिक ने इसलिए बनाई थी ताकि वहां पे आके वो मीटिंग्स कर सकें इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडे कर सकें उसकी शक्ल तो मस्जिद की सी थी लेकिन अंदर हर वो काम हो रहा था जो कि बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ था उनको नुकसान पहुंचाने के लिए था हमारे लिए अमल का बहुत बड़ा पॉइंट है किसी भी जगह की जाहरी अपेयरेंस पे ना जाइए कहीं दफा एक जगह आपको बिल्कुल लगेगा कि यहाँ पे तो इस्लाम ही नहीं है लेकिन जब आप अंदर जाएंगे आप कहेंगे अल्लाह अकबर यहाँ पे तो कितनी जबरदस्त तरीके से इस्लाम फॉलो किया जा रहा है और कहीं दफा मस्जिदों के अंदर भी इस्लाम फॉलो नहीं किया जाता खुद जाके लाजमी चेक करें मुनाफिकीन ने जर रसानी कुफर मोमिन में तफरीक और अल्लाह और इसके रसूल से जंग करने वालों की घात की जगह फराहम करने के लिए कुबा में एक मस्जिद बनाई थी और रसूल सल वसल्लम से गुजारिश की थी कि आप इस मस्जिद में इनके लिए नमाज पढ़ दें अमो नाफिकीन ने यह मस्जिद बना दी और उनका मोटिव क्या था कि कुफर करें मुसलमानों को जरर पहुंचाएं मोमिन में तफरीक पैदा करें आप अलैहि वसलम का दिल बड़ा साफ था और जो भी आप अलैहि वसलम को दावत देता था आप सल्ला वसलम को भूल कर लेते थे उन्होंने दावत दी आप अलैहि वसलम यहाँ पे आके दो रखत नमाज पढ़े और क्यों ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि हम पक्के मुसलमान हैं और हम मुनाफिक नहीं हैं इस वक्त आप वसल्लम तबूक के लिए तैयार हो रहे थे आप वसल्लम ने फरमाया अभी तो हम सफर पर हैं अलबत्ता वापस आए तो इंशाल्लाह लेकिन जब आप तबूक से वापसी में जिल ओवान में उतरे तो मदीना एक दिन या इससे भी कम वक्त के फासले पर रह गया तो हजरत इब्राहम ने नाजिल होकर मस्जिद की असल हकीकत बताई और नमाज पढ़ने से मना किया चुनाचे रसूल सलम ने आदमी भेज कर उसे जलाकर मुस्मार कर दिया यानी गिरा दिया जगह की अजायम की तहकीक करना बहुत जरूरी है और अगर आप किसी प्रोमनेंट पोजिशन में है और आपको कहा जाता है कि आप जाए किसी जगह का अफ्त करें या किसी जगह पे जाके करें तो लाजमी तहकीक पहले कर लें कि क्या वो जगह इस काबिल है क्योंकि जब आपकी रिकमेंडेशन पे या आपके कहे पे लोग जाएंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा या नुकसान आपसे रिलेटेड होगा आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने मस्जिद को ढा डाला जब मदीने के आसार दिखाई देने लगे तो नबी सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने फरमाया ये रहा ताबा और ये रहा औत ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और जिससे हम मोहब्बत करते हैं जब आप सल्लाम खुश होते थे तो खुशी का भरपूर इजहार करते थे हमें क्या चाहिए कि जब हम खुश हों तो फिर क्या फिर भी हम मुंह बनाए या इस्लाम हमें यह कहता है कि हम खुश हो ही नहीं सकते या हम कभी भी अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकते या एक अगर मुसलमान है या एक बाई वाली है तो वो हमेशा मुंह बना के कोने में अजीब सी हालत में ही बैठी रहेगी और हमेशा फिक्रमंद रोती बसूरती रहेगी नहीं आप वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है कि जब खुश है तो खुशी का भरपूर तरीके से इजहार करें और जब मदीना में आप वसल्लम दाखिल हुए तो कितनी खुशी से कह रहे थे ये रहा ताबा और ये रहा ओहद ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम मोहब्बत करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग जिंदगियों में हम रहते हैं ना एक फैमिली की तरह लेकिन हम फ्रीक्वेंटली अपने साथ रहने वालों को ये नहीं कहते कि हम अपने हम आपसे मोहब्बत करते हैं और ये वो बात है जो बहुत दफा हम लोग भूल भी जाते हैं कि हम से कोई मोहब्बत करता है या हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने साथ रहने वालों को लाजमी बार बार याद दिलाया करें कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं इससे क्या होगा एक बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो इनशाला पैदा हो जाएगा और उसमें आप खुशी खुशी इंशाला रहेंगे उधर लोगों ने आपकी आमद की खबर सुनी तो इस्तेबाल के लिए औरतें और बच्चियां निकल पड़ी जो ये शेर गुनगुना रही थी हम पर सनतलविदा से चौधवी का चांद तलू हुआ जब तक पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे हम पर शुक्र वाजिब है आज हम उम्मत मुस्लिमा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं इतना बड़ा एजाज हमें मिला है रबील का खूबसूरत महीना शुरू हो चुका है क्या हम पे वाजिब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और याद क्या किया जाए उनसे तो हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि हम उन्हें कभी भूले ही ना क्योंकि तो जिससे आप बात जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती वो तो हर वक्त हर लम्हे आपके साथ होता है और सीरत पढ़ने के बाद अब मैं कह सकती हूँ और मैं जानती हूं कि आप भी ये कह सकते हैं कि हकीकतन हमें आप सल सल्लाम से मोहब्बत हो गई है और जब भी अब उनका नाम आता है तो उनकी मुश्किल उनकी तकलीफें उनकी उन्होंने कितनी अजियतें बर्दाश्त की ये सोच के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद ने मेरे लिए अपनी उम्मत के लिए इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की और मैं आज क्या कर रही हूं तो उस भारी जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पे महसूस होता है आज बहुत सख्त जरूरत है हम लोग अपने अपने तौर पे कम से कम अपने अपने घरों में दीन को राइज करें अपने ऊपर सबसे पहले अपनी जात पे फिर अपनी औलाद पे अपने घरों में अपने इर्द-गिर्द वालों पे और जबरदस्ती नहीं मोहब्बत से प्यार से जो नहीं मान रहा उसका भी हाथ पकड़ के मोहब्बत से कहें मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं कल तुम्हें नहीं देख सकती आजाद में यकीन जाने हमारे आसपास वाले बहुत अच्छे लोग हैं इंशाल्लाह वो जल्द मान जाएंगे लेकिन जो जिम्मेदारी उम्मे वस्त होने की सूरत में हमारे कंधों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दी है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते आज हम लोगों ने तफरके में पढ़ के डिवाइड कर दिया दीन को ये ये तबलीगी जमात है फलानी जमात है ये फर्ज तो हम सब का है मेरा है आपका है हर मुसलमान का है कि एक अच्छी बात सुने उसे आगे फैलाए अगर आज हम नहीं फैलाएंगे तो कल लोग हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि आप तो पैदा हुई थी आपके तो हाथ में कुरान था आपने इसे आगे क्यों नहीं पहुंचाया तो हम कैसे आप सल्म को फेस करेंगे हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे आप सल्लाह तशरीफ लाए मस्जिद में दाखिल हुए दो दौड़कर नमाज पढ़ी और लोगों से मिलने के लिए बैठ गए जो मुनाफिक पीछे रह गए थे उन्होंने आकर माजरत की और कस्में खाई आप सल असलम ने इनका जाहिर कबूल कर लिया और बान अल्लाह के हवाले कर दिया हमारे लिए बहुत बड़ा अमल का मोती है कि हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना अगर कोई आपको एक्सक्यूज दे रहा है आप मान जाइए क्योंकि हकीकत अल्लाह जानने वाला है और जज अल्लाह है हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले तीन सच्चे मोमिन भी आए जो पीछे रह गए थे और ये थे काब बिन मालिक मरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया रजीला तला उन्होंने सच सच कहा कोई उजरत नहीं तराशा नबी सल्ला वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के फैसले का इंतजार करें और मुसलमानों को हुक्म दिया कि इनसे बात ना करें जब सब लोग उजर पेश कर रहे थे मुनाफिकीन उजर पेश कर रहे थे तो ये आप सल्ला वसल्लम की सामने जब हाजिर हुए तो पहले उनके दिल में आया कि मैं कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम है कोई उजर पेश करूँगा लेकिन जब आप सलील वसलम के सामने बैठे तो कहा कोई उजर मेरे पास नहीं है मैं अपनी सुस्ती की वजह से नहीं आ सका साथ बैठे वाले लोगों ने पता है क्या कहा जो हम एक दूसरे को कहते हैं क्या जरूरत थी सच बताने की कह देते ना कि मसला था कोई प्रॉब्लम थी हमें नहीं, नहीं कहते सच बताने की क्या जरूरत थी लेकिन ये तीन सहाबी थे का बिन 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 मालिक मरारा रवि और हलाल कामैर रजील तनो जिन्होंने किसी उजर का सहारा नहीं लिया बल्कि सच सच बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के फैसले का इंतजार करें और मुसलमानों को हुक्म दिया कि इनसे बातचीत ना करें चुनाचे इनके लिए लोग बदल गए जमीन हो गई और और वो अपने आप से तंग आ गए और दुनिया अंधेरा हो गई चालीस दिन गुजर गए जरा सोचिए चालीस दिन वहां पे रहते थे कोई इनसे बात नहीं कर रहा कोई इनका ख्याल नहीं रख रहा क्या उनका हाल हुआ होगा चालीस दिन गुजर गए मजीद आया कि अपनी औरतों के करीबी ना जाए अल्लाह चालीस दिन गुजर गए तो एक और हुक्म आया कि औरतें जो साथ रह रही हैं जो बीवियां साथ रह रही हैं उनके करीब भी नहीं जाना पचास दिन पूरे हुए तो अल्लाह ताला ने इनकी कबूलियत तोबा की आयत नाजिल दी, तोबा, आयत नंबर दीबाडीन और अल्लाह ने इन तीन आदमियों की भी तोबा कबूल की जिनका मामला मौखर कर दिया गया था यहां तक कि जब जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद इन पर तंग हो गई इनकी जान पर बन आई और उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह से भागकर पनाह की कोई जगह नहीं कोई जगह नहीं है अगर है तो इसी की तरफ है तो अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की ताकि वो तोबा करें यकीनन अल्लाह तोबा कबूल करने वाला रहीम है अल्लाह अकबर कबीरा आज हम एक डिलूजन में रह रहे हैं लेकिन आ, आप और मैं हकीकतन ये जानते हैं क्या हम अल्लाह से भाग के कहीं जा सकते हैं क्या हम अपना कोई अमल अल्लाह से छुपा सकते हैं क्या हम अपने दिल की नीयतें तक अल्लाह से छुपा सकते हैं नहीं तो फिर करने का काम क्या है बी फेयर इन्होंने उजर पेश नहीं किया सच बोल दिया लोगों ने क्या कहा बेवकूफ हो तुम भी उजर पेश कर देते बच जाते अपने आप को मुसीबत में डाला और जब चालीस रोज तक लोगों ने इनको क्या टॉन्ट नहीं किया होगा इसी तरह जब कोई शख्स तौबा कर लेता है पक्की सच्ची तोबा कर लेता है नेकी की तरफ आ जाता है तो लोग उसे नहीं कहते कि ये क्या बन गई अपना हाल क्या कर लिया है पहले तो इतनी अच्छी लगती थी अब तो बेचारी परेशान ही लगती हो उजड़ी उजड़ी लगती हो रंगत भी सफेद हो गई है ये सब वो बातें हैं जो लोग कहेंगे लेकिन मैटर क्या करता है आखिर में अल्लाह ने कितना खूबसूरत इनाम दिया कि कुरान पाक में उन तीनों का जिक्र आ गया और अल्लाह उनसे राजी हो गए और अल्लाह ने तोबा कबूल कर ली अगर आज अल्लाह सुबहान तौला ने मुझे आपको तोबा की तौफीक दे दी है ना तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा करते जाइए और इसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल ना लीजिएगा चाहे दुनिया ये कहे कि पहले ये किया या वो किया जो किया मेरा रब जानता है दिल से पक्की तोबा कबूल करें और, और ये यकीन रखें कि अल्लाह ने तोबा कबूल कर ली क्योंकि अल्लाह तोबा की तोफ़ीक भी उसे देता है जिसे चाहता है इससे मुसलमानों के पीछे रह जाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई लोगों ने एक दूसरे को खुशखबरी और मुबारकबाद दी इनाम दिए सदके किए और ये इनकी जिंदगी का मुबारक तरीन दिन था अल्लाह अकबर हमें बताया जा रहा है जब कोई खुशी मिले तो खुशखबरी मिले जरूर खुश हूं एक दूसरे को मुबारकबाद दें इनाम दे तोहफे फे दें सदका दें और खुशी का इजहार करें खुश होना कोई बुरी बात नहीं है खुशी में हद से तजावज कर जाना अल्लाह की हदूद को पामाल कर देना यह गलत बात है रज़ब में तबुक से हुए। इसी महीने नजाशी शाहमा बिन अब ने वफात पाई रसुल्ला ने मदीने में इसका ऐाना नमाज जनाजा पढ़ी कि हम पहले खतूत में पढ़ चुके हैं कि गायबाना नमाज जनाजा किया जा सकता है लेकिन उस सूरत में अगर हमें ये पता हो कि वहां पे उस बंदे का नमाज जनाजा कोई नहीं कर सकता लेकिन अगर एक जगह नमाज जनाजा हो गया है तो बार बार नमाज जनाजा करने की कोई जरूरत नहीं फिर नौ हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत में कल्सूम रजीला तु ने वफात पाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जनाजा इनका जनाजा पढ़ा बकी में दफन फरमाया और सख्त गमगीन हुए आज हमें छोटे छोटे गम मिलते हैं ना तो हम बड़े परेशान होते हैं मैं अपने आप को सबसे पहले कहूंगी कि तुम्हें तो जरा सा गम मिलता है तुम तो ऐसे हो जाती हो जैसे तो जान ही तुम्हारे अंदर नहीं है और आप ने अपने वाले को खोया अपनी प्यारी अजवाज को खोया उनके बेटे वफात पा गए उनकी बेटियां वफात पा गई लेकिन आप सल अलाम ने किसी भी गम को अपने ऊपर तारी नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये दुनिया बहुत आरजी है और मुझे आगे जाना है आज जिंदगी में जो भी गम है जो भी तकलीफें हैं उन पर सब्र कीजिए अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा कीजिए अल्लाह से रहम मांगिए क्योंकि ये आरजी वक्त है ये गुजर जाएगा अल्लाह सुबहान तला हमें उस वक्त की सख्तियों से बचाए जब सब कुछ परमानेंट हो जाएगा हजरत ऊस्मान तु ने फरमाया से फरमाया अगर मेरे पास तीसरी लड़की होती तो इसको भी तुम ही से बया ब्याह देता कि क्या किरदार होगा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तलाो का कि आप सल अलाम ने पहले एक बेटी की शादी की जब वो वफात पा गई तो दूसरी की की और जब वो भी वफात पा गई तो क्या कह रहे हैं कि अगर तीसरी बेटी होती तो भी तुमसे ब्याह देता फिर कदा नौ हिजरी में मुनाफिक का सरदार अब्दुल्ला बिन फोत हुआ। ने इसके लिए दुआ मकरत की और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी हजरत उमर उम्मीद उन्होंने इसकी नमाज जनाजा पढ़ने से आप सल वसलम को रोकने की कोशिश की मगर आप ना माने फिर कुरान करीम की वो आयत नाजिल हुई जिसमें मुनाफिकन की नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया गया था ये थी अल्हमदल्ला तोीकी अल्लाह के करम से हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो आप सल्लाम की जिंदगी गुजर चुके हैं हमने वो पढ़ लिए हमने ये देखा है हम मेन मेन पॉइंट्स जल्दी से रिकैप करेंगे कि जहात के दिनों में जब जंग होती तो किसी पर रहम नहीं किया जाता था कोई मुरवत नहीं थी लोगों को जला दिया जाता था औरतों की इज्जतें पमाल कर दी जाती थी खेती बाड़ी तबाह कर दी जाती थी किसी भी तरह का इजी वे नहीं दिया जाता था लेकिन आप ले सल्लाम के गजबात से हमने क्या देखा कि इस्लाम की मदद करता था दल, से भी आराम से उनको डील करता था जमीन पर अमनो ऐमान फैलाता है अदल कायम करने की मिसाल आप सल्लाम ने हमें सिखाई और हमें क्या सिखाया कि हमें कुफिर से नफरत करनी है काफिर से नहीं अरबों की जो एक दूसरी आदत थी कि वो जंगों को बहुत तूल देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया जब किसी ने सरेंडर कर दिया और जिजिया दे दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे जंग रोक दी इस्लाम इज नॉट द रिलीजन ऑफ टेररिज्म इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर गज्बे में हमें ये सिखाया है उम्मीद करती हूँ कि ये गज्बात पढ़ के आप बड़ी आसानी से किसी को आंसर दे सकेंगे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल वसल्लम ने तो कभी हमें जुल्म का ज्याती का मार कुटाई का कत्ल वारत का हुक्म नहीं दिया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो नबी हैं जिन्होंने हमें हमेशा पीस का सुलह रहमी का दूसरों का ख्याल रखने का औरतों और बच्चों के महफूज रखने का बूढ़ों का ख्याल रखने का इवन जंग में दरख्तों का भी ख्याल रखने का हुक्म दिया है तो कैसे कहा जा सकता है कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म अल्लाह सुबहानो मुझसे आपसे राजी हो जो छोटी छोटी कोशिशें हम अपने लेवल्स पे कर रहे हैं अल्लाह सुबहान उन्हें कबूल करे अल्लाह सुबहान हमारी औलादों से हमारी आने वाली नस्लों से दीन के बेहतरीन काम ले अल्लाह ले। सुबहान तला कुरान को हमारे साथ ऐसे रखे कि वो हर वक्त हमारे साथ हो हमारे दिलों में हो हमारी जबान में हो